नमस्कार। छठ पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व के इस शुभ अवसर पर आपको मंच संचालन करना हो चाहे भजन बोलने हो, आप ये शायरी बोल सकते हैं। अगर आपके कार्यक्रम में कोई विशेष अतिथि है तो उनके लिए आप बोल सकते हैं, अतिथि देवो भव है कहती ये भारत की धरा, अतिथि देवो भव है कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। तो आज मैं हमारे आज के खास मेहमान उनका स्वागत करता हूँ छठ पर्व के इस प्रांगण में। और छठ पर्व का ये त्योहार आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है क्योंकि इस पर्व के साथ एक वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो पर्व है ये प्रकृति की रक्षा की बात करता है, प्रकृति की हम लोग पूजा करें, सूर्य देव की आराधना करें। ये त्योहार हम लोगों के लिए एक प्रेरणा लेकर आता है। इस पर्व को मनाते हैं कि परिवारों में हो सुख समृद्धि ये मंगल कामना करते हैं, परिवारों में हो सुख समृद्धि ये मंगल कामना करते हैं, मन वांछित फल मिले सबको छठ पर्व पर आराधना करते हैं। हम लोग ऐसी ही आराधना करें पूर्वांचल के लोगों के लिए खास त्योहार ये, और बहुत ही खुशियों से शराबो रास का माहौल हम लोग इसी तरह से प्रकृति की आराधना करते रहें, सूर्य देव की उपासना करते रहें, 36 घंटे की निर्जल साधना करते हैं, मिलकर सूर्य देव की उपासना करते हैं, 36 घंटे की निर्जल साधना करते हैं, मिलकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। छठ पर्व पर करें कुछ ऐसा संकल्प, आओ प्रकृति की आराधना करते हैं। तो ये प्रेरणा से भरा, शिक्षा से भरा त्योहार है क्योंकि यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, प्रकृति पेड़ पौधों की, सृष्टि की, वायु की, सूर्य की हम लोग पूजा करें, यही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। एक दूसरे को खुशी का एहसास कराते हैं, गंगा का निर्मल जल सूर्य देव को चढ़ाते हैं। एक दूसरे को खुशी का एहसास कराते हैं, गंगा का निर्मल जल सूर्य देव को चढ़ाते हैं। समृद्ध हो हर घर परिवार इस दुआ में साथ मिलकर आज छठ पर्व मनाते हैं। तो हम लोग आज मिलकर ये छठ पर्व मनाते हैं, हमारे खास अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि, उनका भी हम लोग सादर अभिनंदन करते हैं कि खीर रोटी का प्रसाद खिलाकर मित्रों संग खुशी मनाते हैं। खीर रोटी का प्रसाद खिलाकर मित्रों संग खुशी मनाते हैं, चावल का पिट्ठा घी लगी रोटी छठी मैया को आज चढ़ाते हैं। तो छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मिलकर आज खुशी मनाते हैं। तो छठ पर्व का यह त्योहार कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। तो पूर्वांचल के लोगों को एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये त्योहार बहुत ही खुशी के साथ मनाएं, प्रकृति की रक्षा करें, सूर्य देव की आराधना करें। धन्यवाद।